श्रद्धा चैनल के समस्त दर्शकों को श्रद्धा पूर्वक नमन, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। वेदवाणी कार्यक्रम में प्रतिदिन एक नया वेद मंत्र एक नए विषय के साथ लेकर के आपके बीच में चर्चा के लिए उपस्थित होता हूँ और प्रयास रहता है कि आपकी सामयिक समस्या का समाधान किसी वेद मंत्र से किया जाए। आज मैं मंत्र लूं या अपनी चर्चा को प्रारंभ करूं, एक बार बार निवेदन आया कि वेद ही क्यों, क्या वेद के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तक में समस्याओं के समाधान नहीं है, तो उसका उत्तर एक भजन के माध्यम से देने का मैं प्रयास करता हूं। पहला तो यह है कि वेद चूंकि ईश्वरीय वाणी है, वेद चूंकि सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि के निर्माण के समय सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए एक आचार संहिता के रूप में, एक संविधान के रूप में दिया और हम सभी के लिए उसका पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना और उस पर आचरण करना आवश्यक बतलाया गया, आवश्यक हुआ, ऐसा भी किस लिए? हम आज के युग में कोई भी एक उपभोक्ता सामग्री खरीदते हैं, मैंने वॉशिंग मशीन ली या मोबाइल लिया, मोबाइल या वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी भी इतना ज्ञान रखती है कि वॉशिंग मशीन या मोबाइल के साथ एक निर्देशिका देती है, एक पुस्तिका देती है, प्रयोग करने से पूर्व हमें उस निर्देशिका या उस पुस्तिका को पढ़ लेना होता है और उसी के अनुरूप उस उपभोक्ता सामग्री का प्रयोग प्रारंभ करना होता है। यदि बिना पढ़े मैं उसका प्रयोग करता हूं तो तय मान लीजिए, मोबाइल है तो उल्टी बैटरी लगा दी, जैसे ही शुरू किया उसके आईसी फूक गए। ऐसे ही वॉशिंग मशीन है, उल्टा कनेक्शन लगा दिया, जैसे ही चलाने का प्रयास किया उसकी मोटर फूक गई। ठीक इसी प्रकार हम मनुष्य भी यदि वेद को पढ़ने और पढ़ाने के बिना, सुने और सुनाने के बिना, उस पर आचरण किए बिना, वेद के पथ के अनुकूल अपने इस साधन का, मनुष्य के तन का उपयोग एवं उपभोग नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हम भी इस साधन का दुरुपयोग कर बैठते हैं और जीवन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आइए इस पर एक छोटा सा भजन सुना देता हूं और फिर मैं विषय पर वापस आता हूं। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद का सुनना सुनाना चाहिए, वेद के अनुकूल हे मानवो आचरण अपना बनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। यज्ञ उत्सव और सत्संग में नित सहित परिवार आना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। छल कलह से पूर्व पूर्ण वातावरण में, छल कलह से पूर्ण वातावरण में प्रेम की गंगा बहाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। हो सदा आरूढ़ निज कर्तव्य पर ऋषियों का ऋण चुकाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। जो भटकते फिर रहे हैं मोहवश, सत्य पथ वेद पथ उनको बताना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। मत भलाई तुम किसी की भूलना, हाँ भला कर भूल जाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। और वेद का पढ़ना भी आज के विषय के लिए अत्यंत आवश्यक होने के कारण आज मैंने प्रथम वेद स्तुति पाठ किया और आज का विषय है सब हवियां तुझे, अर्थात मैं जिस भी देव को जो भी हवी प्रदान करता हूं
आहुति देता हूं, वह अंततः परम पिता परमेश्वर तक पहुंचती है। इस विषय पर ऋग्वेद और सामवेद में आया मंत्र, आज पहले मंत्र लेता हूं फिर उसका अर्थ लूंगा। यच्चिद्धि शश्वता तना देवम देवम यजामहे त्वे इत हुयते हवि। शश्वता तना सनातन और विस्तृत हवि से, यत चित ही देवम देवम, यद्यपि हम भिन्न भिन्न देवों का यजामहे यजन करते हैं, हवि परंतु वह हवि या आहुति त्वे इत तुझ में ही हुयते आहूत होती है, अर्थात हे परम पिता परमेश्वर विभिन्न देवों का यजन करते समय मेरे द्वारा दी गई हवि हे ईश्वर अंततः आपके पास ही पहुंचती है। संसार में दो प्रकार के नियम हैं। प्रथम शाश्वत सनातन नियम जो कि सार्वकालिक या सार्वभौमिक नियम है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक स्थानिक या स्व अल्पकालिक नियम भी होते हैं। हम परिमित अशाश्वत शरीरधारी प्राणी तुम्हारा सीधा यजन कैसे कर सकते हैं, इसीलिए हमें आपका यजन करने के लिए हे परम पिता परमेश्वर हे प्रभु मुझे विभिन्न देवों के माध्यम से ही आपका यजन करना होता है, और विभिन्न देवों के माध्यम से आपका यजन करते समय जब मैं उन देवों को आहुति प्रदान करता हूं तो वह अंततः हे परम पिता परमेश्वर आप तक ही पहुंचती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने अग्निहोत्र किया, अग्निहोत्र करते समय जो एक भौतिक लाभ होता है प्रतीक रूप में, तो पूरा का पूरा अग्निहोत्र करना अर्थात मुझे स्वयं अपने को यज्ञमय कर लेना है, जीवन याज्ञिक बन जाना है, लेकिन अग्निहोत्र का जो भौतिक लाभ है वह पर्यावरण शुद्धि का है, और पर्यावरण शुद्धि करते हुए हे परम पिता परमेश्वर मैं अंततः आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि का उपयोग एवं उपभोग करते हुए, या मैं आज के इस विकास के संदर्भ में कहूं तो अत्यधिक दोहन करते हुए जब मैं पर्यावरण को अशुद्ध कर रहा होता हूं तो मेरा एक दायित्व बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि मैं उस पर्यावरण को शुद्ध करने का भी प्रयास करूं, और इसके लिए नित्य कर्म विधि जो नित्य दैनिक कर्म मेरे लिए बतलाया गया क्रांतदर्शी देव दयानंद ने, जिसके लिए मुझे प्रतिदिन यज्ञ अग्निहोत्र हवन करने का आदेश दिया, तो उस माध्यम से मैं पर्यावरण की शुद्धि करता हुआ जो ये कार्य करता हूं, जो आहुति प्रदान करता हूं, जो हवि देता हूं, वह पर्यावरण को शुद्ध करते हुए हे परम पिता परमेश्वर अंततः आप तक ही पहुंचती है। इतना ही नहीं, यदि मैं पौधा रोपण करता हूं, वृक्ष लगाता हूं, और वृक्ष लगा करके भी यदि मैं पर्यावरण की शुद्धि का कार्य करता हूं तो यह भी एक यज्ञीय कार्य है, और इस यज्ञीय कार्य से भी पर्यावरण की शुद्धि होती है, और पर्यावरण की शुद्धि होते हुए यह हवि भी यह यज्ञीय कार्य भी मेरे द्वारा बीजारोपण करने या पौधारोपण करने द्वारा की दी गई आहुति या हवि अंततः हे परम पिता परमेश्वर आप तक ही पहुंचती है। दूसरा एक और उदाहरण देते हैं। हमने वेद को कहा कि पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना चाहिए, और वेद को पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना एक आवश्यक हमारे लिए बतलाया गया धर्म बतलाया,
तो इससे भी निकल करके आया कि वेद चूंकि अपरुषेय ग्रंथ है, ईश्वरीय वाणी है, सर्वज्ञ परम पिता परमेश्वर ने हम सभी के लिए एक आचार संहिता के रूप में हमें ये वेद ज्ञान प्रदान किया है और इस वेद ज्ञान को पा करके मुझे अपने जीवन को उसी के अनुकूल वेदो अखिलो धर्म मूलम जानते हुए कि ये वेद समस्त धर्म का मूल है ऐसा जान मान करके अपने जीवन को वेद के अनुकूल चलाना चाहिए। और जब मैं ऐसा करता हूं तो सर्वज्ञ ईश्वर से प्राप्त ज्ञान को प्राप्त करते हुए सरस्वती देवी को का यजन करते हुए जो मैं विद्या प्राप्ति करता हूं वह ईश्वर प्राप्ति ज्ञान है और यह भी ईश्वर का यजन है जो कि मेरे आत्मा को आत्मा के आत्मा अर्थात परमात्मा के निकट ले जाने का कार्य करता है। मैं उस पथ को जान पाता हूं जिस पथ पर चलते हुए हे परम पिता परमेश्वर मैं आपके निकट आपके सानिध्य में आपका उपासक बन करके आपकी उपासना करते हुए पहुंच सकता हूं। तो निकल करके आया कि मैंने विद्या प्राप्ति करते हुए जो सरस्वती यजन किया जो आहुति प्रदान की ज्ञान प्राप्ति की वह भी ईश्वर का यजन हुआ क्योंकि वह मुझे ईश्वर के निकट लेकर के चला गया। इसी तरह से यदि हम मातृभूमि का यजन करते हैं राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं और उस राष्ट्र प्रेम पर चलते हुए अपने राष्ट्र की अखंडता संप्रभुता को सीमाओं को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं या राष्ट्र में छिपे हुए राष्ट्र द्रोहियों को हम देख करके उनके मंतव्यों को समझ करके उनका भी दलन करते हैं उन्हें भी हम इस कार्य से हटाने का प्रयास करते हैं तो यह भी स्वदेश उद्धार के रूप में हे परम पिता परमेश्वर आपका ही यजन हुआ। इतना ही नहीं मैं जो नित्य प्रति दैनिक भोजन भी करता हूं और दैनिक भोजन करते हुए मैं अपने इस साधन को मनुष्य के तन को इस अनमोल जीवन को सुरक्षित रखता हूं सुदृढ़ रखता हूं तो इस साधन का उपयोग एवं उपभोग करते हुए ही हे परम पिता परमेश्वर मुझे अपने जीवन में यज्ञ एवं परोपकार के कार्यों को करना है और ऐसा करते हुए ही जब मैं इस साधन को सुदृढ़ रखूंगा तभी मैं जीवन में परोपकार के यज्ञ कार्य करता हुआ आप तक पहुंच पाऊंगा। तो यहां तक निकल करके आया कि जो नित्य भोजन करना है अपने शरीर को योग आसन प्राणायाम से सुदृढ़ रखना है वह ईश्वर प्रदत्त साधन की सुरक्षा भी ईश्वर का ही यजन है। इससे निकल करके आता है कि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की किसी भी देव को आहुति अंततः हे परम पिता परमेश्वर आप तक पहुंचती है इसलिए मुझे जीवन में अत्यंत सतर्क रहना होता है। जैसे अग्निहोत्र करते समय यदि मैं उस उद्बुद्ध अग्नि में प्रज्वलित अग्नि में औषधि युक्त सामग्री के स्थान पर मिर्चे डाल दूंगा तो वह यजन कभी भी सफल नहीं होगा अपितु देव पूजा दान संगतिकरण। लेकिन मिर्च पड़ जाने से तो जो लोग बैठे हैं वह भी उठ करके तितर बितर हो जाएंगे भाग जाएंगे
तो निश्चित रूप से जीवन में देवों का यजन करते समय मुझे अत्यंत सतर्क रहना है और इस बात को सुनिश्चित करना है कि मेरे द्वारा किया गया कोई भी कार्य या मेरे द्वारा उन देवों को प्रदान की गई समस्त आहुतियां हवियां इस प्रकार की हो जो उन देवों का संवर्धन करती हो, जैसे अग्निहोत्र से पर्यावरण शुद्धि, विद्या प्राप्ति से सरस्वती यजन या मातृभूमि पूजा से राष्ट्र प्रेम से स्वदेश उद्धार या नित्य प्रति आसन प्राणायाम करने से ईश्वर प्रदत्त साधन को सुदृढ़ करना, मजबूत करना या सुरक्षित रखना, इस प्रकार की सभी आहुतियां, यहां तक कि यदि माता और पिता की भी हम सेवा करते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इन सभी की सेवा करना भी मेरा दायित्व बनता है और इनकी सेवा करने से, इनका यजन करने से निश्चित रूप से ये आहुति भी, ये यजन भी ईश्वर का ही यजन है, क्योंकि भौतिक माता पिता के अतिरिक्त वह इस संसार का, समस्त संसार का जो पिता है वह परम पिता है। इसीलिए मुझे इन देवों को आहुतियां देते समय विशेष सावधानी बरतनी है। हर देव की पूजा उसको दी हमारी हवि, आखिर हे परम पिता परमेश्वर तेरी ही पूजा है और वह आहुति आप तक ही पहुंचती है। आइए हम बहुत सावधानी पूर्वक देवों की पूजा किया करें। ओम इति शम। धन्यवाद।